नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं विभाष कुमार झा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुत सी नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए आदिवासी नेता नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल बिलासपुर के रेलवे मैदान में एक आमसभा को संबोधित करेंगे। सुकमा जिले के तालमेटला इलाके में माओवादियों ने उप सरपंच सहित 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। दुर्ग में 5 लोगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2 करोड़ रूपये लूट लिये हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर पार्टी बनाकर इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 25 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी बूथ चलो अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज बालोद में और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पाटन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। ईद उल अजहा का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है और प्रदेश में जुआ और सट्टा और इस तरह के ऑनलाइन गेम के माध्यम से अवैध धन कमाने की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध कानून लागू किया है। ऐसे किसी भी माध्यम से धन कमाने में लिप्त होने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।